हमने नीतीश कुमार को ये पैदा किए, नीतीश कुमार को कौन चिंता था, कौन जानता, ये ललन सिंह को कौन जानता था। कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ न कुछ इनको फुलझड़ी दिखाया है, कान में फूका है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने डॉक्टर रतन मंडल को फुलझड़ी सुंघाया है, इसी कारण वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये बातें जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कही। दरअसल अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतन मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ दिए गए बयान के बाद भागलपुर की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रतन मंडल ने कहा था कि राजनीति में नीतीश कुमार को उन्होंने पैदा किया है, साथ ही नीतीश कुमार पर जातिगत गणना करने पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए जातिगत गणना का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने नीतीश कुमार को ये पैदा किए, नीतीश कुमार को कौन चिंता था, कौन जानता, ये ललन सिंह को कौन जानता था। ये नीतीश कुमार समूचा अति पिछड़ा हर जाति में चार लीडर पैदा कर दिया। आप भागलपुर में देखिए, मेरे से बड़ा लीडर कौन हो सकता है। मेरे से हम जितना ही एमएलए एमपी सब मेरा चेला चट्टी है, साले सब कम है, हमने टिकट दिया है। आज जब जरूरत पड़ता है गोपाल मंडल खड़ा करता, कभी अजय मंडल को खड़ा करता, हमको सेंड कर, हमसे बेसी मजबूत था। हमने नीतीश कुमार को यह पैदा किए। अब इस मुद्दे पर जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने बयान दिया है। शिशुपाल भारती ने कहा कि रतन मंडल ने जो कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया और आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनकी जो भी थोड़ी बहुत राजनीतिक हस्ती है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बदौलत है और नीतीश कुमार ने पूरे भारत में उन जैसे सैकड़ों नेताओं को राजनीति में लाया है। रतन मंडल कुछ दिन पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे से मिले थे, वहीं कुछ खिचड़ी पकाई गई है जिसके बाद डॉक्टर रतन मंडल इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और कुछ क्या कह रहे हैं शिशुपाल भारती, आप खुद सुनिए। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल साहब का जो बयान कल आया है बिल्कुल वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, बिहार प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उनका बयान आया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह सांसद मुंगेर लोकसभा के ललन बाबू के बारे में, मैं उसका घोर निंदा करता हूं और इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये इनको आगाह भी करता हूं कि इस तरह का बयान राष्ट्रीय नेता के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए और पुनः कभी नहीं दोहराना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने बयान में कहा है राजनीति में पैदा करने की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार नहीं देश में लाखों ऐसा कार्यकर्ता और नेता पैदा हुए हैं उनके मार्गदर्शन में काम करके, जिसमें से एक ये भी हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पूर्व के दिनों को याद करे। यही जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश के प्रकोष्ठ के उनको अति पिछड़ा का अध्यक्ष बनाया गया और पूरे बिहार में राजनीति करने का, संगठन में काम करने का, घूम घूम के जनता से मिलने जुलने का मौका दिया गया। साथ ही साथ पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में उनका मनोनयन बिहार सरकार के माध्यम से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश और निर्देश से इनका आयोग में मनोनयन हुआ और पूरे 3 वर्षों तक इन्होंने उस आयोग का लाभ लिया, सदुपयोग किया और निश्चित रूप से आयोग के जो समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनके संदर्भ में 3 वर्षों में ना कोई काम किया, ना कोई योजना बनाया और ना ही किसी प्रकार का कल्याणकारी योजनाओं के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया। आज ये बीच के दिनों में पार्टी अपना गठन किए, वंचित समाज पार्टी, उसके पूर्व चापाकल छाप से कभी चुनाव लड़े, कभी भी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, संगठन के साथ खड़ा नहीं रहे। उसके बावजूद भी माननीय नेता, हमारे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार इनको बार बार मौका दिया काम करने का और सम्मान भी दिया। अब अभी का जो उनका कल का बयान है, इस बयान के बारे में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के
गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ दिल्ली में इनका तस्वीर मीडिया के माध्यम से मैंने देखा हूँ, बुके गुलदस्ता देने लेने का तस्वीर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ न कुछ इनको फुलझड़ी दिखाया है, कान में फूका है, उसी फूकने का परिणाम है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव 2024 का भागलपुर में है, जिसमें हमारे माननीय सांसद अति पिछड़ा का बेटा लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी अभी हैं, और इसके पूर्व में भी अति पिछड़ा का ही बेटा गंगोत्री समाज का ही सांसद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बुलो मंडल जी और शैलेश कुमार जी रहे हैं, तो लगातार 10 वर्षों से यहाँ जो नेतृत्व अति पिछड़ा का बेटा गंगोत समाज का बेटा बुलो मंडल जी अजय मंडल जी ने किया है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के पेट में खलबली मच गई है, पेट में मरोड़ दे रहा है, और वो हतप्रद हैं, हताश हैं, और वो चिंतित हैं कि गंगोत्री समाज के बेटे के खिलाफ में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है भागलपुर लोकसभा में, अति पिछड़ा समाज के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो बेचैन है। और ये फिरका परस्त ताकत भाजपा के समर्थित सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन दोनों के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी भागलपुर में प्रत्याशी ढूंढने में कहीं न कहीं अति पिछड़ा का बेटा गंगोत समाज का बेटा विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल साहब को कान में फूके हैं, कुछ न कुछ उनको फुलझड़ी दिखाए हैं।